करेंगे। मैंने कल एग्जांपल दी थी आपको, आज आपको जो है वो कल का दिन आएगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप दूसरी कंपनियों से कितने मुख्तलिफ हैं। ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन के नाम पर कितनी कंपनियां गई और कभी वापस ही नहीं आई, और आप वापस भी आ रहे हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जो चीजें हो रही हैं सबके नॉलेज में है, सबके इल्म में है, कोई कंफ्यूज नहीं है, कोई परेशान नहीं है कि यार ये पता नहीं गई है वापस आनी है कि नहीं आनी। तो ब्लॉकचेन वापस आ रही है, और खबर के वाले से मैंने ये कहा कि जो ऑथेंटिक चीज हो आपके पास सिर्फ उसी को शेयर किया करें। और तो बस यही खबरें थी जिसका खुलासा मैं आपको दोबारा दे देता हूं। ब्लॉकचेन कल लाइव आ रही है, 7 जून का कंपनी ने टाइम दे दिया है। कुछ चीजों को देखते हुए मैं उसको टाइम आपको टाइम भी बता देता हूं, 7 जून की तारीख है, तो मैं 5 PM या उससे पहले का वक्त भी आपको बता रहा हूं। पहली ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि कंपनी की तरफ से जो BLD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो आपको नया मिल जाएगा। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की मदद से आप अपने मेटामास्क के वॉलेट में अपने टोकन को इंपोर्ट कर लेंगे, एड्रेस को इंपोर्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, तो आपका बैलेंस लोड हो जाएगा। एप्लीकेशनों में तो आपको पहले ही बैलेंस दिखता है, BLM नेटवर्क की एप्लीकेशन में बैलेंस आपको पहले से दिख रहा है, तो आप चाहते हैं कि मेटामास्क पे दिखे, तो वो आप नए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कर लेंगे, तो वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल है, आपका कोई डिपॉजिट एड्रेस चेंज नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा मैंने बता दिया कल स्वैपिंग पेयर आपको लाइव मिल जाएंगे, उसके अंदर जो भी लाइव जो उमर भाई ने बताए हैं वो स्वैपिंग पेयर भी आपके एप्लीकेशन में लाइव होंगे, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन को अपग्रेड पे जाना है। वो आज पे चली जाए कल में चली जाए, जब जाएगी तब भी बता दिया जाएगा, जब वापिस आएगी तब भी बता दिया जाएगा, इतना आपको इत्मीनान रहना चाहिए। अपनी अपलाइन के साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, ऑफिशियल जो पेजेस हैं मीडिया के, सोशल मीडिया के, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, और लोगों को मोटिवेट करिए, जैसे आपके दोस्त हैं करीब अजीज और खुद आप हैं, आपके अपने बिजनेसेस हैं, अपने बिजनेस के अंदर जो है BLV की अडॉप्शन लगाएं, BLV को मैक्सिमम अडॉप्ट करें, ताकि मैक्सिमम अडॉप्शन के साथ आए। जैसे अभी हम जब भी आपका जो एक्सप्लोरर है वो लाइव होगा तो आप देखेंगे कि आप जो है वो 13 करोड़ के करीब होल्डर्स होंगे, और आपको पता लगेगा कि आप दुनिया की कितनी बड़ी ब्लॉकचेन में शामिल हो गए जिसके पास इतने बड़े होल्डर्स हैं, इतने ज्यादा होल्डर्स हैं। तो ये सारा कुछ है, बस मोटिवेट रहिए और काम पे अब ध्यान दीजिएगा, काम की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि काम से ही हमें पैसे आते हैं। मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, आप काम करेंगे तो आपको पैसे आएंगे। तो काम करें, काम करने का आगाज करें, कंपनी के हिस्से का काम कंपनी पे छोड़ दें, ब्लॉकचेन उसको अपग्रेड करनी है, उसको मेंटेन करनी है, उसको सिक्योरिटी करनी है, उसको यूजेबिलिटीज बनानी है, उसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट करना है, उसके पास उसका रोड मैप है, उसे उसको उसका काम करने दीजिए। हमारा जो काम है हम उसको करें। वी शुड रिकमेंड अदर्स, हमें दूसरों को रिकमेंड करना चाहिए, दूसरों को गाइड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। जो लोग पहले से आपके साथ जुड़ चुके हैं उनको एजुकेट करिए। हर मैं मुझे पता है कि कोई भी बंदा अपनी अपलाइन से मुतमिन नहीं होता, ये नेचुरली है, पता नहीं क्या वजह है, बट फॉर सम रीजन कोई आदमी अपनी अपलाइन से मुतमिन नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जो आपकी अपनी अपलाइन है, जो आपका दोस्त है, आपका जानने वाला है, उसके साथ काम करिए, अच्छा बॉन्डिंग रिलेशन बनाइए। हर दूसरा बंदा अपलाइन स्विच करना चाहता है तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपने पेरेंट्स स्विच करना चाहते हो तो मुमकिन नहीं होता। तो इस तरह आप सिस्टम में लगे हैं, इसी सिस्टम के अंदर है, इन चीजों से निकलकर आपको अपना काम खुद करना है। मुझे कल एक भाई मिले यहाँ पर आए बैठे, उन्होंने बताया उन्होंने किसी कंपनी में काम किया था, शायद जापान लाइफ इस तरह की किसी कंपनी का जिक्र कर रहे थे वो आज से 20-22 साल पहले, कि मैं 10 साल तक अपने स्पॉन्सर से नहीं मिला। 10 ईयर्स मैंने काम किया, मैंने अचीवमेंट की, मैंने सक्सेस ली, मैं उसको 10 साल तक नहीं मिला, 10 ईयर्स। तो ये इसका मतलब ये है कि स्पॉन्सर का रोल जो है वो यहां तक है कि उसने आपको अपना रेफरल कोड दिया है, आपको गाइड किया है, एजुकेट किया है, उसके बाद आपका अपना बिजनेस है, उसका अपना बिजनेस है, उसने अपनी मेहनत से कमाना है, आपने अपनी मेहनत से कमाना है। वो आपको गाइड कर सकता है, टीच एंड ट्रेन कर सकता है अगर आपको नहीं आता, अगर आप खुद बहुत बड़े उस्ताद हैं तो फिर जाहिर है आपको उसकी क्या जरूरत है। तो इसलिए अपने काम पे ध्यान दें, आपका काम आपके लिए कामयाबी लाएगा। एक अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आप जुड़े हैं जिसका मार्केट में कोई सानी नहीं है, कोई उस जैसी दूसरी कंपनी नहीं है किसी कंपैरिजन के अंदर भी। इसलिए अपना ख्याल रखें, कल के दिन में जो है वो 5 बजे से पहले ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी, उसका भी आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, आ जाएगा सबको। और इसी तरह जैसे ही आपका BLV नेटवर्क की एप्लीकेशन अपग्रेड पे जाएगी तब भी बता देंगे, अभी तो बहुत कम लोग उसको खोलते हैं, यूज करते हैं, या फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जब तक आपका प्रमोशन चल रहा है यू विल नॉट बी गेटिंग द रिवॉर्ड्स, उस वक्त तक आपको एक्टिविटी रिवॉर्ड नहीं आएगा। तो अगले 9 दिन प्रमोशन रहेगा अगर कल से शुरू होता है तो उन 9 दिन के अंदर भी आपको एक्टिविटी का रिवॉर्ड नहीं आएगा, उसके बाद आपको एक्टिविटी का रिवॉर्ड आएगा। आखिरी चीज ये इतला भी समझ लें, ये आपको मशवरा भी समझ लें, जो चीजें
अब होने के लिए जा रही है। ये ब्लॉकचेन तो एक चले बहाना बन गया, एक गैप आ गया बीच में कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन जो चीजें होने के लिए जा रही हैं, मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास बीएलबी, आप शायद खुद बीएलबी के खरीदार बन जाएं, ऐसी चीजें होने के लिए जा रही हैं, आपके सामने आने के लिए जा रही हैं। तो कलेक्ट एज मच एज यू कैन, ये मैंने 10 दिन पहले भी लिखा था, आज आपको रिवाइज कर रहा हूं, कलेक्ट करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बीएलबी की जरूरत पड़ने वाली है। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।